जो क्रमशः का पहला रूप है, दूसरा गणु जी का है, तीसरा नरसिंह भगवान का है, फिर बारह भगवान का, घोटक भगवान का है। तुम्हारी बताने के कृपा करें कि बोलो किस अवस्था में कैसा रूप हुआ था, क्या कह रहे पंचमुखी, पंचमुखी हनुमान जी का। हाँ फिर जिसमें नंबर पहला नंबर कप का है, कप का, दूसरा जो गणु का है, तीसरा नरसिंह भगवान का है, चौथा बारह भगवान के, फिर घोटक भगवान का है, पांचवा घोड़ा घोड़ा घोटा अश्वरूप अश्व घोड़ा क्यों आओ देवन जी। हनुमान जी शिवावतार हैं, इसलिए पंचदेवात्मक हैं, केवल शिव ही नहीं हैं, शेष चार देव भी हैं, और केवल मनुष्य के रूप में ही वे व्यक्त नहीं हैं, बल्कि अश्वादि मनुष्यतर जंगम प्राणी के रूप में भी उनकी अभिव्यक्ति हुई है। इस दृष्टि से पंचमुख का अर्थ होता है पांच भूतों के रूप में, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, अंतकरण पंचक के रूप में अभिव्यक्त परमात्मा। इस तथ्य को द्योतित करने के लिए उनके पांच मुख का वर्णन है, आकृति में भी भेद है। कपि भी हैं, अश्व भी हैं, नृसिंहादि नर और सिंह दोनों का युग्म रूप है। स्थावर जंगम प्राणी के रूप में वेदांत वेद्य शिव तत्व ही अभिव्यक्त है। इस तत्व का द्योतक हनुमान जी के पंचमुख हैं। और कोई प्रश्न?